टाटा ने पास्ट में कई गाड़ियों के साथ अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन एक एक करके वो सारी गाड़ियों को बंद करते चले गए हैं। और आज ना तो उनकी इंडिका एग्जिस्ट करती है, ना सुमो और ना ही नैनो। और अगर देखें तो सफारी को छोड़कर टाटा के पोर्टफोलियो में कोई भी पुरानी गाड़ी का नाम एग्जिस्ट नहीं करता है। और देखा है तो काफी हद तक ये एक्सेप्शन सिर्फ टाटा के साथ ही है, क्योंकि बाकी सभी कंपनियों के ज्यादातर प्रोडक्ट्स पुराने नाम के साथ ही बिक रहे हैं, फिर चाहे वो वर्ना हो, सिटी हो, स्विफ्ट हो या स्कॉर्पियो। खैर, अब सवाल ये उठता है कि अगर टाटा ने इतनी सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया है, देन व्हाई दे कंटिन्यूड विद द नेम ऑफ सफारी। अब देखो, इसका तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है बॉस। टाटा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इवन दो टाटा सफारी बहुत ज्यादा नहीं बिकी अपने पास्ट के अंदर, फिर भी सफारी अपने आप में ही एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन शायद एक और नाम है जिसको टाटा की लाइनअप में कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलनी चाहिए, एंड दैट इज टाटा हेक्सा। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल करवाया था और मैंने उसके अंदर ये पूछा था कि टाटा को अपनी कौन सी लेजेंडरी गाड़ी को लॉन्च करना चाहिए। एंड आउट ऑफ 92,000 पोल्स, 46% ने हेक्सा के लिए वोट किया था। एंड इट वॉज रियली सरप्राइजिंग, क्योंकि पोल के अंदर मैंने रियल सफारी को भी डाला था और उसको इससे कम वोट्स मिले थे। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि अगर लोग इस गाड़ी को इतना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये गाड़ी ज्यादा बिकी क्यों नहीं, और क्यों टाटा को इसको बंद करना पड़ा। आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और इस सवाल के कंक्लूजन की राह में हमें ये जानने को मिलेगा कि कैसे टाटा ने वक्त से आगे की सोच कर एक गाड़ी लॉन्च करी थी आर्या, और फिर हेक्सा जैसी गाड़ी निकाली जो कि मेरे हिसाब से आज तक की अकेली इनोवा क्रिस्टा की वर्दी राइवल बनी। लेकिन फिर कैसे टाटा की हेक्सा को अपनी जानलेवा कंपटीशन और टाटा की खुद की गलतियों की वजह से अपनी जान से हाथ धोने पड़े। चलो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए 13 साल पीछे चलते हैं, यानी कि 2010 में, जब टाटा ने अपनी एक सबसे एम्बिशियस कार को लॉन्च करा था, यानी कि आर्या को। लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में सिर्फ 21% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और ज्यादा ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। टाटा ने आर्या को एक ऐसी क्रॉसओवर के तौर पर लॉन्च करा था जो कि एमपीवी, सेडान और एसयूवी का एक ब्लेंड थी, क्योंकि इसकी फ्रंट स्टाइलिंग एक सेडान से इंस्पायर्ड लगती थी। इसमें एक प्रॉपर एमपीवी वाली 3-row सीटिंग मिलती थी, और इसमें लेडर फ्रेम शैसी और 4x4 का ऑप्शन मिलता था, जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर एसयूवी वाली कैपेबिलिटी भी मिलती थी। आर्या से पहले टाटा ने हमेशा ही मासेस को टारगेट करते हुए गाड़ियां लॉन्च करी थी। वो ज्यादातर मिडिल क्लास के लिए छोटी गाड़ियां बना रहे थे, जैसे कि इंडिका, इंडिगो और बाकी कमर्शियल मार्केट के लिए कार जैसे कि सुमो वगैरह। लेकिन आर्या टाटा का सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, क्योंकि 2010 में इस गाड़ी का प्राइस 10 लाख से शुरू होकर 17 लाख तक जाता था। अब आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन ये 2010 के हिसाब से बहुत ज्यादा था। और इसका अंदाजा आप इससे लगा लो कि 2010 में जब इस गाड़ी का प्राइस 10 लाख से चालू हो रहा था, उस टाइम पर इनोवा 7.5 लाख से चालू होकर 13 लाख में खत्म हो जाती थी। हाँ, ये वही गाड़ी है जो आज 20 लाख से तो शुरू होती है। अब बेशक से कई लोग इसको इनोवा की कैटेगरी में डालकर देखते होंगे, लेकिन टाटा ने इस गाड़ी को इनोवा से काफी ज्यादा महंगा बनाया था, और इसकी वजह से हम इसको डायरेक्ट राइवल नहीं बोल सकते थे इनोवा का। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये गाड़ी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती थी। टाटा ने इस गाड़ी को अपनी सब्सिडियरी JLR के साथ मिलकर बनाया था, और इसमें उन्होंने इतने सारे फीचर्स भर दिए थे जो कि आज की डेट में 40 लाख की गाड़ी में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3D सराउंड साउंड, बिल्ट इन GPS, उस टाइम पर इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्लाइमेट कंट्रोल AC, क्रूज कंट्रोल और 4-wheel डिस्क ब्रेक्स, डुअल जोन HVAC, रेन सेंसिंग वाइपर, फर्स्ट इन क्लास प्रोजेक्टर बीम, ज़ीनॉन लाइट्स जैसे अंधाधुंध फीचर्स मिलते थे। अब टाटा ने तो खूब मेहनत कर एक फीचर रिच और एक लग्जरी कार्स बना दी थी, लेकिन इंडियंस ने टाटा की इस गाड़ी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। और आर्या कितनी बुरी तरीके से फेल हुई थी, आप इसका अंदाजा इसकी सेल से भी लगा सकते हो। जैसे कि अगर हम इसकी 2013 की सेल्स देखें तो इस कार की सिर्फ 189 यूनिट्स ही बिकी थी 2013 के पूरे साल के अंदर। और अगर मैं बात करूं इसके नियर कॉम्पिटिशंस की, देन दोस कार्स वर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जैसे कि 2013 में इनोवा की टोटल 58,000 यूनिट्स बेची गई थी टोयोटा द्वारा, और XUV500 ऑलमोस्ट सेम प्राइस सेगमेंट में फॉल होती थी, और उस गाड़ी की 100,000 यूनिट बिक गई थी पहले 3 साल के अंदर, और ये गाड़ी 2011 में लॉन्च हुई थी, तो आप समझ लीजिए 2013 तक इस गाड़ी की 100,000 यूनिट्स बिक गई थी। और वहीं आर्या की इतनी कम यूनिट्स बिकी थी, मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थी इन गाड़ियों के आगे। तो अब जब बाकी कार्स इतनी अच्छी संख्या में बिक रही थी, तो आर्या क्यों नहीं? अब इस सवाल का जवाब छुपा है टाटा की ब्रांड वैल्यू में। टाटा ने इंडिया के अंदर जिस टाइम पर ये 15 से 16 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च करी थी, उस टाइम लोग टाटा के बैच के लिए इतना पैसा देना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई भी टाटा को एक लग्जरी कार मेकर के तरीके से नहीं देखता था। ऊपर से लोगों को ये भी डर था कि इस गाड़ी की कोई खास रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि टाटा तब कुछ ज्यादा ही बदनाम थे अपनी रिलायबिलिटी इश्यूज को लेकर। अब यही बहुत सारे रीजंस में से कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से टाटा ने अपने आर्या को जैसे तैसे 7 साल तक खींचने के बाद 2017 में बंद कर दिया। लेकिन टाटा ने इस कार के खराब परफॉर्मेंस के आगे घुटने नहीं टेके, और उन्होंने इसकी सक्सेसर यानी कि हेक्सा को लॉन्च कर दिया। ये कार भी आर्या के ही प्लेटफॉर्म पर बनी थी, इसके अंदर भी सेम इंजन दिया गया था विद सम ट्यूनिंग एंड पावर इंक्रीज, और ये भी आर्या की ही तरह फीचर रिच थी।
लेकिन फिर से इस कार को इंडियंस बायर ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जितना कंपटीशन को वो पसंद कर रहे थे। जैसे कि 2017 में टाटा की हेक्सा की सिर्फ 13,502 यूनिट्स बिकी थी, लेकिन वहीं इनोवा की 72,000 यूनिट्स और XUV500 की 26,000 यूनिट्स बिकी थी। हाँ, इसकी सेल्स उतनी बुरी नहीं थी जितनी आर्या की हुआ करती थी, लेकिन फिर भी साल 2020 में यानी कि सिर्फ 3 साल चलाने के बाद टाटा ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस गाड़ी को BS6 में अपग्रेड करने में वो अपनी कॉस्ट को रिकवर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स उतनी नहीं आ रही थी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी इससे। लेकिन वहीं पर एक सवाल फिर से खड़ा होता है कि हेक्सा के साथ फिर से वही क्यों हुआ जो आर्या के साथ हुआ। सी, हेक्सा की सिचुएशन आर्या से अलग थी। अब तक टाटा की ब्रांड वैल्यू पहले से काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और कुछ हद तक लोग टाटा को कंसीडर करने भी लगे थे, लेकिन अब तक कंपटीशन ने मार्केट पर कब्जा कर लिया था। पहले आर्या इनोवा का डायरेक्ट राइवल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब टोयोटा इनोवा क्रिस्टा आ चुकी थी जो कि सेम प्राइस सेगमेंट में फॉल होती थी और वो भी काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करती थी। हाँ, हेक्सा से कम फीचर्स मिलते थे उसके अंदर, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मिलते थे, और ये गाड़ी हेक्सा को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन दे रही थी। यानी कि ये कार हेक्सा की लग्जरी MPV बायर्स की मार्केट को खा रही थी। हेक्सा की तरह ही क्रिस्टा के अंदर भी लेदर फ्रेम चेसी मिलती थी, और जैसे मैंने पहले बताया इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाया करते थे हेक्सा वाले, और इसकी राइड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। वैसे भी इनोवा तो हमेशा से जानी ही जाती थी अपनी राइड क्वालिटी के लिए। और सबसे बड़ी बात, टोयोटा के साथ लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ था जो कि टाटा के साथ काफ़ी लंबे समय तक मिसिंग था। इसके अलावा कुछ और भी दिक्कतें थी जो कि प्रोडक्ट के साथ और टाटा के खुद के साथ अभी तक भी जुड़ी हुई थी। जैसे टाटा हेक्सा परफॉर्मेंस के मामले में कंपटीशन से पीछे दिखाई देती थी, इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर इंजन पावरफुल नहीं था, बल्कि इसका इंजन तो XUV 500 से भी ज्यादा पावरफुल था। इसके अंदर 156 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क मिलता था विद इट्स 2.2 लीटर इंजन, लेकिन इस कार की पावर उस गाड़ी से थोड़ी कम महसूस होती थी, और उसका सबसे बड़ा रीजन था इसका वजन। इस गाड़ी का कर्व वेट 2300 किलोग्राम का था। अब आप शायद इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा है, तो मैं बता दूं, XUV 500 और क्रिस्टा जो कि इसके डायरेक्ट राइवल थे, उनका वजन 1800 और 1850 किलोग्राम था रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये गाड़ी अपने कंपटीशन से लगभग 500 किलोग्राम ज़्यादा भारी थी, और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से इसको टैंक बुलाया जाता था। खैर, ये तो एक बात थी। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं बिक पा रही थी वो था इससे जुड़ा इतिहास। उस टाइम की टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह ही टाटा की आर्या के रिलायबिलिटी में रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खराब था। एंड इवन दो टाटा ने हेक्सा की रिलायबिलिटी के अंदर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स करे थे, फिर भी वो बायर्स की थिंकिंग को चेंज करने में नाकामयाब रही थी। एंड एक्चुअली ये जो कंज्यूमर्स का डिससेटिस्फेक्शन था, ये टाटा की गाड़ियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पहले टाटा की सर्विस का रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा खराब था, जिसके चलते बायर्स जल्दी से टाटा की गाड़ियाँ लेना पसंद नहीं करते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। आज हुंडई के पास इंडियन मार्केट के अंदर 14.54% का मार्केट शेयर है और टाटा के पास 13.20% का, यानी कि दोनों ही कंपनीज एक जैसी संख्या में कार्स बेच रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम दोनों ही कंपनीज के सर्विस सेंटर्स को कंपेयर करें तो हुंडई के पास 1221 सर्विस स्टेशन हैं ऑल ओवर इंडिया, वहीं टाटा के पास 411 सर्विस स्टेशन ही हैं। और इससे ये समझ में आता है कि टाटा और हुंडई के सर्विस सेंटर्स के नंबर्स में काफ़ी मैसिव गैप है। चलो, नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन तो एक बात हो गई, लेकिन इसके अलावा सर्विस क्वालिटी में भी टाटा हमेशा से ही पीछे रही है। हाँ, आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं पहले के मुकाबले, लेकिन इतिहास के अंदर यही बातें थी जो कि टाटा के फेवर में काफ़ी लंबे समय तक नहीं रही थी। अब इन्हीं सब प्रॉब्लम्स ने टाटा की सस्ती गाड़ियों की सेल्स को तो हैम्पर कर ही रखा था, लेकिन उनकी महंगी गाड़ियों को लेने में लोग और भी ज़्यादा झिझका करते थे। और टाटा की इसी रिलायबिलिटी और पुअर आफ्टर सेल सर्विस के कारण जहाँ 2010 में टाटा का इंडियन पैसेंजर मार्केट के अंदर 13.7% का शेयर था, वो 2016 में घटकर 4.6% तक पहुंच जाता है। खैर, अब टाटा ने पहले के मुकाबले काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स करी हैं ऑन एवरी एस्पेक्ट, और अब लोग उनकी महंगी गाड़ियों को भी अच्छे नंबर्स में ले रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी कोई आसार ऐसे नहीं दिखाई देते हैं कि टाटा अपनी हेक्सा को वापस लेकर आएंगे इंडियन मार्केट के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विद द बेल आइकन। बेल आइकन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है दबाना, प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में ये बात भी ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि टाटा हेक्सा को वापस लेकर आएँ। थैंक यू।